नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। 19 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में मैच होना है, T20 मैच होना है। और इस मैच को लेकर आज जेएससीए मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में जो मैच क्रिकेट मैच का टिकट का दर था उसे तय कर दिया गया है। रांची में होने वाले इस T20 मैच कई मायनों में खास है, क्योंकि आपको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो ये सीरीज मैच होना है उसमें से 3 T20 मैच होना है और 2 टेस्ट मैच होने हैं। यहाँ पर जो मैच होगा वो दूसरा T20 मैच होगा। इससे पहले जयपुर में T20 मैच एक हो चुका होगा और दूसरा मैच यहाँ पर रांची में, और इसके बाद एक तीसरा जो है वह कोलकाता में होना है और 2 टेस्ट मैच भी होने हैं। रांची में जो मैच होना है उसे लेकर रेट तो तय हुआ ही है टिकट का, और साथ ही कई नियम कानून जो जेएससीए ने बनाया है वह भी हम बता देंगे कि आप कितने में टिकट खरीद कर और किन किन नियमों को फॉलो कर जेएससीए में क्रिकेट देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रांची में होने वाले मैच क्यों कई मायनों में खास है। पहला तो इसलिए क्योंकि अब विराट कोहली की कप्तानी में यह मैच नहीं खेली जाएगी। आपको पता होगा कि T20 के वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली ने BCCI को यह बता दिया था कि वह अब थोड़ा कप्तानी से राहत लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ रहा था और वह फोकस्ड होकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और बहुत थकान भी हो जाती थी। अब कौन कप्तान होगा ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना यही जा रहा है, 90% लगभग फाइनल भी हो चुका है कि रोहित शर्मा अभी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होना है उसमें वह कप्तान हो सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात ये है कि कोच जो भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक रवि शास्त्री थे वह कोच भी अब बदल जाएंगे जब रांची में यहाँ पर मैच होंगे। कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अब राहुल द्रविड़ होंगे। राहुल द्रविड़ के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें कि बैकबोन कहा जाता था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक समय, जब वह खड़े होते थे जिस तरह से, वह टेस्ट मैच में उनका कई रिकॉर्ड है, तो वह अब कोच बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। और जब रांची में टीम उतरेगी तो राहुल द्रविड़ भी उसके साथ होंगे कोच की भूमिका में। मेंटर अब तक जैसा कि मैच हो रहा है T20 का जो वर्ल्ड कप, उसमें महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो वह वर्ल्ड कप तक ही मेंटर थे। रांची में जो मैच होगी उसमें महेंद्र सिंह धोनी न मैदान में होंगे और न मैदान के बाहर किसी भूमिका में होंगे। वह दर्शक के हैसियत से इस मैदान में रांची के अपने होम ग्राउंड के जेएससी स्टेडियम में हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावे और किसी भूमिका में महेंद्र सिंह धोनी यहां पर नहीं दिखेंगे। आप सबको पता होगा कि जब भी रांची में क्रिकेट हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो मैच के दौरान या फिर मैच के बाद या फिर मैच के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने घर पर दावत पर सभी खिलाड़ियों को जरूर बुलाया है। इस बार वह बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं यह देखना होगा। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल जो क्रिकेट मैच के टिकट का निर्धारण हुआ है आज की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में, दर तय हुआ है वह 900 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तय किया गया है। यानी कि आप 900 रुपये से लेकर 9,000 तक टिकट खरीद कर मैच देख सकते हैं। अब ये पिछले के मैचों से अधिक है या कम है इसकी तुलना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होगा कि अभी जो यहाँ पर मैच करवाने की जो अनुमति मिली है, पिछले दिनों जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कि आपदा प्रबंधन मंत्री बैठक के बाद बन्ना गुप्ता ने बताया था कि 50% क्षमता, मतलब दर्शकों की जो क्षमता है आधी क्षमता के साथ यहाँ पर मैच आयोजन करने की अनुमति दी गई थी। अब रांची के जेएससीए स्टेडियम में क्षमता कितनी है ये सवाल उठेगा, तो जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 40,000 दर्शकों की क्षमता जेएससीए स्टेडियम की है और 40,000 का आधा 20,000 होता है, तो माना यह जा रहा है कि करीब 25,000 दर्शकों की क्षमता के साथ रांची में 19 तारीख को जेएससीए स्टेडियम में मैच होगा, यानी कि 19 नवंबर को यहाँ पर मैच होंगे। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो 15 नवंबर से जेएससीए स्टेडियम के बाहर जो टिकट का काउंटर होता है वहां से आप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट की कीमत एक बार हम बता दें अपने दर्शकों को कि 900 रुपये है सबसे कम, उसके बाद 1200 रुपये है, उसके बाद 1400 रुपये है, उसके बाद 1700 रुपये है, उसके बाद 1800 रुपये है, उसके बाद 4000 है, उसके बाद 5000 है, और 4000, 5000, 5500 और उसके बाद 9000। ये जो अलग अलग टिकट की कीमत है यह बताने की जरूरत नहीं कि क्यों अलग अलग है।
दरअसल JSCA स्टेडियम में जहां जहां बैठने के लोकेशन निर्धारित हैं उस लोकेशन के आधार पर यह टिकट का निर्धारण होता है। जैसे कि आपको पता है कि MS धोनी पवेलियन है, अमिताभ चौधरी पवेलियन है, तो अलग अलग पवेलियन में अलग अलग टिकट के दर का निर्धारण है। आपको पता है कि स्टेडियम के बाएं और दाहिने तरफ आप ग्रास पर बैठकर मतलब कि घास पर बैठकर भी मैच देख सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेडियम है सिर्फ वहीं है देश में, और उसके बाद JSCA स्टेडियम में ही यह सुविधा है कि घास पर बैठकर भी आप मैच देख सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं कि आखिर क्या क्या नियम हैं अगर आप मैच देखने आते हैं तो किन किन नियमों का पालन करके आपको आना होगा। सबसे पहला तो यह कि कोरोना के दोनों टीके आपको लगे होने होंगे, यानी कि कोरोना का दोनों टीका लगाकर आपको मैच जो लोग लगाए होंगे वह ही मैच आकर देख सकते हैं और इसका एक सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। दूसरा, 15 नवंबर से पहले का यानी कि 15 नवंबर से बाद का एक RT-PCR जो कोरोना का जांच होता है उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको स्टेडियम के अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो मैच नहीं देख सकते हैं। अगर आपको 15 नवंबर से पहले कोरोना का जांच करवाए हो और आपके पास कोरोना की रिपोर्ट हो उसमें निगेटिव बताया गया हो फिर भी आप नहीं देख सकते। 15 नवंबर के बाद से आप कोरोना जांच अगर करवाए हो तो फिर यहां पर आप मैच JSCA स्टेडियम में देख सकते हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा गेट पर जो है 2 गज की दूरी का पालन करते हुए आपको एंट्री करना है। आपको पता होगा अगर आप रांची में मैच देखे होंगे या फिर टीवी के जरिए देख रहे होंगे कि किस तरह से कितनी भीड़ रहती है स्टेडियम के बाहर, और अंदर जाने से पहले कई किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, कतार में लोग खड़े रहते हैं, ठेलम ठेली भीड़ के साथ लोग अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन इस बार यह नियम बनाया गया है कि 2 गज दूरी के साथ आपको स्टेडियम में प्रवेश करना है। हालांकि कितना फॉलो होगा नहीं होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यह नियम बनाया गया है। इसके अलावा जो जैसा कि हमने बताया कि सरकार ने जो अनुमति दी है कोरोना को देखते हुए कि आधी क्षमता के साथ, दर्शकों की क्षमता के साथ यह मैच के आयोजन की छूट मिली है, उसमें एक कुर्सी छोड़कर आपको बैठना है। यानी कि हर एक कुर्सी के बाद एक कुर्सी में क्रॉस का निशान होगा और जो कुर्सी का नंबर आपके टिकट पर रहेगा उसी सीट पर बैठना है। अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपको मैच देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तमाम नियम है। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट है वह बताया गया कि आखिर आप कब कहां और कैसे ले सकते हैं। टिकट जो है 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक JSCA स्टेडियम के बाहर आप जाकर खरीद सकते हैं। तो अभी जिस तरह से T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अब यह बताने की ज़रूरत नहीं कि हम सब जो उम्मीद लेकर बैठे थे भारत के साथ वह उम्मीद टूट सी गई है, लेकिन क्रिकेट के जो दर्शक हैं वह अभी भी मैच देख रहे हैं और जब यह समाचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अभी भी मैच भारत का एक चल रहा है। लेकिन रांची में जो मैच होगा 19 नवंबर को, यह मैच होगा न्यूजीलैंड सीरीज का, जिसमें कि न्यूजीलैंड के साथ भारत 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। और हमारे सहयोगी ने सूरज ने बताया कि यह द्विपक्षीय सीरीज है और इसमें सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होंगे, जिसमें कि 3 T20 और 2 टेस्ट मैच होने हैं। एक जयपुर में पहले होगा, उसके बाद रांची में होगा 19 तारीख को, और उसके बाद एक T20 मैच कोलकाता में होगा, इसके बाद 2 टेस्ट मैच भी होने हैं। रांची में जो मैच होंगे उसके लिए खिलाड़ी जो है एक दिन पहले रांची पहुंच जाएंगे और रांची के रेडिसन ब्लू होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। यह बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बड़ा विवाद हुआ था कि एक बिहार के कैडर के IAS ऑफिसर की शादी या फिर उनके परिवार में किसी की शादी थी, उसे लेकर बुक कराया गया था और यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर मैच कैसे होंगे जब यहाँ पर शादी होगी। तो जब बहुत विवाद हुआ तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कैंसिल की शादी, और उसके बाद अब यह तय हो गया कि जो खिलाड़ी यहाँ पर रांची में आएंगे रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरेंगे। आपको यह बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप पिछले हुए मैचों के दृश्य को अपने जेहन में दोहराएंगे तो देखेंगे कि रांची के JSCA स्टेडियम से ज़्यादा रेडिसन ब्लू होटल के बाहर दर्शक, क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ियों को चाहने वाले लोगों की भीड़ होती है जो सिर्फ एक झलक अपने चाहते खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है JSCA स्टेडियम से लेकर रेडिसन ब्लू होटल तक। तो एक बार फिर क्रिकेट की कहा जा सकता है
कि क्रिकेट के बड़े आयोजन में राजधानी रांची इस पर्व त्यौहार के बाद क्रिकेट के त्यौहार में लीन होने वाली है, और जिसका आज घोषणा जेएससीए की तरफ से कर दिया गया है कि आप 15 नवंबर से जेएससीए स्टेडियम के बाहर टिकट खरीद सकते हैं और टिकट की कीमत 900 रुपये से लेकर 9000 तक तय की गई है। शुक्रिया।